नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना पिलुआ के गांव ततारपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिलने की खबर है। विवाहिता का शव लटका छोड़ ससुराली जन फरार हो गए। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम घटना की बारीकी से जांच कर रही है। विवाहिता की मां की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ससुराली जन विवाहिता को परेशान करते थे। विवाहिता की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2021 को थाना पिलुआ के गांव ततारपुर में प्रेमलता की ललित कुमार के साथ शादी हुई थी। एटा से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षवर्धन है। कहाँ रहती हैं आप? अशोकपुर। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ पहले उसे दुखी रखते थे, उससे बात ही नहीं करने देते थे न। हम कहते बात करा दो तो नहीं बात कराते थे, और फिर दो चार दिन पहले बात हमने फोन लगाया, नहीं कराई बात। और कलगी भरी हुई है, उसके दाग है, पीटी है, वो सब घायल है। और उसके लड़की मिली है, अब मुझसे फोन भी नहीं किया। जो बीच वाला होता है ना, मजिया क्यों, क्यों दुखी रखते थे? क्या बात करती है? ऐसे कहते थे कि अच्छी नहीं है। और हमारी लड़की 101 थी, अभी देख सकते हैं। सूचना कब मिली आपको? कल की मरी हुई है, उसकी वो दिखा रही है, उसका डेड बॉडी दिखा रही है, कल की मरी हुई है। सुबह हमसे मजिया ने किसी और से फोन किया था। क्या लगता है कैसे मौत हुई इनकी? मार के लटकाई गई है। मार के लटकाई? हाँ, सब घायल है, पैर देख लेना। थाने में पैर दे दिया आपने? हाँ। शादी कब हुई थी इनकी? शादी 10 दिसंबर में हुई, 9 दिसंबर को बारात आई। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।